है कि इस पे खर्च हुआ, मगर एक्चुअली पोजीशन ये है कि उस पे कोई एक यानी कहीं भी कोई काम नहीं नजर नहीं आया है और ना किया है इन्होंने। ये सिर्फ कागजों में पैसे वो आते हैं और वो चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं कोई पता नहीं है। तो ये दस अस्सलाम वालेकुम, टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूँ असमा आसिफ। खबर शाम करते हैं शहदादपुर से। हमारी टुडे न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी बाबू मोहम्मद शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक फंक्शनल लीग के साबका एमपीए फ़कीर मोहम्मद बख्श खास खेली ने हालिया बरसातों की तबाही के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस वक्त ज़िला सांघर समेत पूरे सिंध तबाह हो चुकी है और मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक सिंध हुकूमत ने किसी भी जगह पर मुतासरीन के लिए किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं दे सकी है। इसके अलावा सिंध नालों में शगाफ पड़ने की जिम्मेवार सिंध हुकूमत है। उन्होंने मजीद कहा कि हुर जमात बरसात मुतासरीन के लिए मैदान में उतर चुकी है। जहां भी मुतासरीन हैं वहां पर हुर जमात पहुंचाकर उन तक राशन समेत दीगर अशिया तकसीम करने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ से मुतालबा किया है कि सिंध के मुतासरीन के लिए इकदाम करें ताकि मुतासरीन खुद को तनहा महसूस ना कर सकें। हर मुमकिन कोशिश करे। हालिया बरसातों में सिंध हुकूमत के ज़िले तरकने में मुकर्रर आफिसर आवाम के को भी रिलीफ न दिनों दे सकिया, जै कर सजी सिंध के आवाम की बेयारो मददगार सूरत में आए। साई मुझा अवां अगया बेन शहर जिया सांगड़ की मिसाल है जिते अतराबू बोध पैदा कई हुई, जिते हुकुमरान जो किरदार अवाम के सहूलतों फराम करने वालों न रो, जिते हुर जमायत पांजे रहबर मुर्शिद के हुक्म के लबेक चई अवल रस्ते जो किरदार अदा कंदे रातियों जागी सांगड़ के बोर्ड का बचाने में अहम किरदार अदा कर।